हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ एक DIY चौकोर नेकलेस। तो ये ब्लाउज पीस था, उसके अंदर मस्त डिज़ाइन बनी हुई थी। मैंने साड़ी ली थी दिवाली में, तो इसके साथ ये ब्लाउज पीस आया था, तो इसके बहुत अच्छी डिज़ाइन बनी हुई है। पूरा हाथ से एम्ब्रॉयडरी वर्क किया था, मुझे बहुत ही पसंद आ रहा था। तो मैं ये कट कर रही हूँ, कट कर लिया है मैंने अभी। तो पूरा मैं राउंड शेप में अभी कट कर दूंगी उसको, जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है वो भी मैं निकाल दूंगी। मैंने ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हटा दिया है, और मैंने ये लिया है पेपर का थोड़ा टुकड़ा मोटा था वो लिया है। आप चाहे तो कैनवास भी यूज़ कर सकते हो, और इसके पीछे लगाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा भी काट लिया है। तभी मैं ये जो कपड़ा है उसके ऊपर ये जो टुकड़ा मैंने काटा है वो मैं लगा दूंगी। पर आपको इतना ध्यान रखना है कि जो पेपर का टुकड़ा काटा है वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। इसको चिपकाने के लिए आप कोई भी ग्लू का यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे फेविकॉल का यूज़ कर रही हूँ। बस अच्छे से प्रॉपर से उसको चिपकाना है ताकि वो निकल नहीं जाए, बस इसका खास ध्यान रखना है। और मैं उसको अच्छे से दबा दबा के चिपका रही हूँ। और अगर आप हाथ से चिपका नहीं पा रहे हो तो आप कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने पीछे से भी ऐसे कट लगा लगा के अच्छे से फेविकोल लगा के उसको चिपका दिया है, ताकि उसके जो वाइट पेपर है वो दिखे नहीं। और अभी उसके ऊपर मैं ये जो राउंड शेप में मैंने काटा था वो मैं ऐसे फेविकोल से इसके ऊपर चिपका दूंगी। तो आपको बस एक ध्यान रखना है कि उसको अच्छे से चिपकाना है, बिल्कुल भी फेविकोल लगाने में कंजूसाई नहीं करनी है, ताकि वो निकले नहीं। बस तो मैं अच्छे से फेविकोल लगा रही हूँ, और इसके ऊपर ये जो दोनों मैंने काटे हैं सर्कल वो मैं, आप चाहे तो अलग अलग एक एक करके काट के लगा सकते हो, मैंने दोनों साथ में लगा दिए। तो आप ब्लाउज पीस पे ऐसे अच्छी अच्छी बॉर्डरें आती है, ऐसे अच्छी अच्छी एम्ब्रॉयडरी आती है, तो आप ऐसे अच्छे से कुछ भी चौकोर नेकलेस या इयररिंग्स कुछ भी बना सकते हो। तो मैंने उसको अच्छे से अभी दबा दबा के जो वाइट कागज़ दिख रहा था वो भी मैंने अंदर थोड़ा दबा दिया है। तो अभी जो एक्स्ट्रा अगर बहुत ज़्यादा दिख रहा हो कागज़, तो आप उसको काट भी सकते हो, क्योंकि अभी पीछे कपड़ा लगा हुआ है, ग्लू भी लगा दिए, तो काटोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने जो एक्स्ट्रा दिख रहा था वो सब मैंने काट दिया, आप देख सकते हो जो एक्स्ट्रा कागज़ दिख रहा था वो सब काट दिया है मैंने। तो बहुत अच्छे से प्रॉपरली हो गया है। तो 2-3 घंटे के बाद ये अच्छे से सूख भी गया था। तो इसके अंदर अभी कोई भी कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने घुंघरू लगाने के लिए सोचा था, मैंने छोटे छोटे थे तो ये डोरी लगाऊंगी मैं रेड कलर की, आप चाहे तो ब्लैक कलर के लगा सकते हो। आप चाहते हो तो ऐसे गोल्डन कलर की जो पट्टी होती है तो उसको सिलाई करके डोरी जैसा बना के भी आप लगा सकते हो। तो पर मैंने तो सिंपल डोरी ही लगाई है, मुझे ज़्यादा अच्छी कंफर्टेबल वही लग रही थी। तो डोरी लगाने के लिए ऐसे मैं कड़ी लगा के डोरी लगाऊंगी, क्योंकि अगर चिपकाने से थोड़ा टाइट बांधेंगे तो निकल जाएगी डोरी, तो चिपकाने से कुछ भी नहीं होगा। इससे अच्छा तो मैं एक कड़ी लगा के फिर इसके पे डोरी लगाऊँ तो अच्छे से वो टिकेगा। तो मैंने कड़ी लगा दी है, एक सॉई से मैंने होल कर दिया था, तो अच्छे से प्रॉपर होल हो जाता है। दोनों साइड मैंने कड़ी लगा दी है, अभी मैं उसके अंदर डालूँगी डोरी। ये देख सकते हो डोरी डालने के बाद कितना अच्छा सा मेरा नेकलेस रेडी हो गया है, और मैंने थोड़े घुंघरू भी लगा दिए हैं। तो मैंने थोड़े कम घुंघरू लगाए, आप चाहे तो पूरा भरचक बना सकते हो, पर मैंने उसको, मुझे थोड़ा ऐसे ही पसंद था इसके लिए मैंने थोड़ा सिंपल लुक दिया है उसको, क्योंकि मेरी साड़ी बहुत भरी भरी है इसके लिए। तो मेरा ये DIY चौकोर नेकलेस रेडी हो गया है, तो मैं आपको पहन के भी दिखा रही हूँ। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।